साहब के ताल्लुक से मैं किसका किसका जवाब दूं, मेरे को खुद नहीं समझ में आता है। जवाब भी किसका देना है, झूठों का? अरे सच्चों का जवाब देना है तो बहुत सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, तो झूठों का जवाब देना पड़ रहा है। मुफ्ती साहब बोलते हैं वो वाल कंपाउंड मैंने लाया, स्टेडियम में जो भी काम हुआ मैंने किया, कुश्ती का स्टेडियम भी आपने बनाया, शब्बीर सेठ का बहुत नाम लेते हैं, शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल, और बोलते स्टेडियम मैंने बनाया, तो शब्बीर सेठ ने खाली जमीन लिए थे, आपने कुश्ती का स्टेडियम बनाया। वाल कंपाउंड की बात करते, जो क्रिकेट स्टेडियम है, जो गोल दायरा दिखता है जिसमें जाली लगी है, जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो आसिफ शेख रशीद ने बनाया, एमएलए आसिफ शेख रशीद ने बनाया। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता कि कोई दूसरे के एक कंकड़ी है उसमें, ये आसिफ शेख रशीद की देन है मालेगांव में, जिसने उर्दू घर बनाया। मुझे मालूम पड़ा एजाज भाई मुफ्ती साहब किसी को बोल रहे थे कि यार मैं जब उर्दू घर गया और देखा कि उर्दू घर ऐसा बना, तो मैं मेरे दिल में सोच रहा था, मुफ्ती साहब अब भी किसी को बोल रहे थे कि मैं मेरे दिल में सोच रहा था कि कितने बेवकूफ मालेगांव के लोग हैं जो इतना अच्छा उर्दू घर बनाने वाले को हरा दिए। मुफ्ती साहब बोल रहे थे, बोलो अभी उनको भी ये बात बोलना चाहिए क्या? ठीक है, आसिफ शेख रशीद ने उर्दू घर बनाया, आप तारीफ कर लो। मालेगांव वालों को क्यों बेवकूफ बोल रहे हो भाई साहब? मालेगांव वाले बहुत अक्लमंद है, अगर तुमको लगता है वो बेवकूफ है तो बताएंगे, अक्ल बताएंगे इंशाल्लाह, वो भी अक्ल बताएंगे मालेगांव वाले। मैं जो भी बोला एक एक बात ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, अगर किसी को जानना है इस ताल्लुक से तो आके मुझसे वीडियो ले जाए, लेके ले जाए। खाली हवा में बात नहीं है कि पानी बेच डाले, पानी बेच डाले, अब ये बेच डाले एक लेखी तो बताओ कि हमने पानी बेच डाले, खाली हवा में बात मत करो, 100 बका एक लिखा लेखी बताओ, और नहीं तो हमारे पास लेखी है, तुमने केरपट्टी के ताल्लुक से क्या बोले क्या नहीं बोले बताना, मेरे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताना, अगर एक लफ्ज भी बोले होंगे तो। मुंह चलाना बंद करो, गलत सलत बोलना बंद करो, खाली सो के उठते तो एक ही खानदान सबको दिखता, मालेगांव की पूरी सियासतदा को एक ही खानदान दिखती, शेख रशीद शेख आसिफ, शेख रशीद शेख आसिफ, बस इसमें। अरे भैया 3 ट्रैक्टर चालू है मालेगांव महानगर पालिका में, 21 वार्ड में 21 ट्रैक्टर चलते थे मच्छर की दवा मारने के लिए, कम से कम 6 महीने से, 1 साल से 3 ट्रैक्टर चालू है, कोई नहीं बोल रहा उस पर, बेचारा कोई नहीं बोल रहा उस पर, मालेगांव का कोई सियासी लीडर नहीं बोल रहा उस पर। अब वो मच्छर से कोई मर नहीं सकता, वो मच्छर से कोई मर नहीं सकता, जब मर सकते है उससे तो तुमने कितनी बार बोला उसको? आप सियासी लोग खाली शेख रशीद और शेख आसिफ का ढिंढोरा पीटना छोड़ो, काम देखो, काम पब्लिक को बहुत तकलीफ है, कमिश्नर कुछ काम नहीं कर रहा, प्रशासक कुछ काम नहीं कर रहा, मालेगांव में एक रोड का काम नहीं हो रहा। कल मैंने सुना बोले मुफ्ती साहब ऐसा बोल रहे थे कि अपना काम तो रोड के बाद रोड, रोड के बाद वो तो तुम्हारा जितना फंड था ना, अगर 5 करोड़ एक साल का होगा, 25 करोड़ जो फंड है ना, तो अगर ऐसा बनाए तो 10 साल तक रोड पे रोड चलती रहेंगी, आज एक रोड बनाओ फिर एक साल के बाद एक रोड बनाओ। शेख आसिफ कुछ नहीं रहते हुए, ना तो नगर सेवक ना तो आमदार, कुछ नहीं रहते हुए 15 करोड़ रुपए लाया और 100% लाया। 100% समझता मुफ्ती साहब, तुम जो मालेगांव महानगर पालिका में ठहराव करके ला रहे हो ना, नगर विकास से और ये विकास से वो विकास से, तो 30% उसमें मालेगांव महानगर पालिका का लग रहा है, 70% आप ला रहे हो, बहुत कमाल की बात नहीं है? आसिफ शेख रशीद ने 15 करोड़ लाया और 100% लाया, जिसमें 1 रुपया भी मालेगांव महानगर पालिका का नहीं है, टोटल के टोटल गवर्नमेंट का है। तो काम करना है तो करके बताओ, अच्छी बात है मालेगांव शहर में काम होना चाहिए, इतना ही बोल के अपनी बात खत्म।